नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। मैं आपके साथ हूं मोहम्मद फैसल। चायबासा की अमला टोला सार्वजनिक काली पूजा समिति पंडाल का उद्घाटन परिवहन मंत्री चंपा सोरेन और मंत्री जोबा के हाथों होना है। 1972 में शुरू की गई इस पूजा को 50 साल हो गए हैं। अमला टोला काली पूजा समिति इस बार स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। समारोह में जबलपुर से धमाल बैंड पार्टी को बुलाया गया है। लोगों को बनारस की गंगा आरती का दर्शन भी काली पूजा कमेटी की ओर से कराया जाएगा। पंडाल के सामने भीड़ न लग रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन, कृपया ड्रोन किसी के घर के छत पर गिर गया। इस वक्त हमारे साथ चायबासा से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या कुछ माहौल है वहां का, क्या कुछ बताएंगे हमें? बिल्कुल, देखिए ये जो अमला सार्वजनिक काली पूजा कमेटी है इस बार अपना 50 साल मना रहा। 1972 से इसकी पूजा की शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा अमला टोला को इस तरीके से सजाया, मानिए कि लगा कि कोई स्वर्ग सा स्थिति का नजारा देखने को मिल रहा है। विद्युत सजा काफी खूबसूरत तरीके से की गई और पंडाल भी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये सारी पूजा कमेटी का स्वयं संरक्षक है मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, इस बार पहले तो काली पूजा की आपको बधाई। 1972 से पूजा होते आ रहा, किस तरीके का तैयारी और क्या क्या होने जा रहे? देखिये, ये अमला टोला सार्वजनिक काली पूजा का शुभारंभ 1972 में हमारे जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और इस वर्ष हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। और दो वर्ष आप सभी लोग जानते हैं कि दो वर्ष सभी तरह के आयोजनों में व्यवधान रहा कोरोना के संक्रमण को लेकर, और इस बार दोनों उत्साह है हमें कि कोरोना का संक्रमण भी समाप्त हो गया है, हम 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं और ये हमारा जो काली पूजा है इसका इंतजार पूरा कम से कम सिंहभूम जिले वासियों को तो रहता ही है, अगल बगल सरायकेला जिले से भी, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले से भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं यहाँ अवलोकन करने, आकर्षक यहाँ की विद्युत सज्जा और आकर्षक पंडाल, और उसके साथ साथ पूजा भी बहुत विधि विधान से की जाती है। यहाँ के प्रकांड जो विद्वान पुरोहित हैं उनके द्वारा पूजा भी काफी विधि विधान से की जाती है। यहाँ के पूजा का भी विशेष महत्व है और इस वर्ष तो हमारी खुशी बहुत चौगुनी है क्योंकि हम 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इसमें तरह तरह का आयोजन किया गया है। भव्य पंडाल बनाया गया है, आकर्षक विद्युत सज्जा आप देख रहे हैं, जबलपुर का बैंड, यहाँ का संथाली बैंड हो, जो है लोक नृत्य है उसका आयोजन किया गया, जगह जगह मंच बनाए गए हैं। तीनों दिन अभी हमारा आज 23, 24, 25 गंगा आरती का आयोजन किया गया है, तो तरह तरह का उनके आयोजन विभिन्न स्थानों पर किए गए हैं। पूरा आपने कहा सिर्फ अमला टोला ही नहीं, पूरा सदर बाजार टुंगरी हमारा एक बगल का मोहल्ला है, वहां से लेकर पूरा अमला टोला विद्युत सज्जा से आच्छादित किया गया है और एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है क्योंकि हमारा ये चायबासा एक तरह से कहिए कि छोटा सा कस्बा है और यहाँ ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और जमशेदपुर रांची जैसे स्थानों पर जाकर और वहाँ की भव्य पूजा देखने का मौका इन्हें नहीं मिल पाता है, तो इस काली पूजा का इंतजार रहता है और इस बार लोगों में काफी उत्सुकता है और हमने भी कोशिश किया, हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं, अध्यक्ष सचिव से लेकर पूरी कमेटी के लोग निरंतर लगभग 1-1.5 महीने से इस आयोजन की तैयारी में लगे हैं और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय चंपा सोरेन जी और हमारे विधायक गण यहाँ इस उद्घाटन समारोह शामिल होंगे, उनके द्वारा इस पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा। आज के दिन मैं ये कामना करता हूँ कि पूरे राज्य में, पूरे देश में माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, देश में आपसी सौहार्द, सामाजिक समरसता, आपसी एकता कायम रहे, हमारा देश इतना मजबूत हो कि पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण
हो और साथ ही साथ दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 30 और 26 को स्पेशल क्या कार्यक्रम होगा सर? देखिए आज तो हमारा उद्घाटन है, कल पूजा है, कल पूजा होगी और यहाँ विभिन्न तरह के अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं और उनके ऊपर निरंतर शाम से लेकर देर रात तक गुजराती, मराठी हो, संथाली, कुड़ुक और भी अन्य भाषाओं के में यहाँ लोक नृत्य पेश किए जाएंगे और तरह तरह के आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है। और 26 तारीख को विसर्जन का कार्यक्रम है और विसर्जन भी यहाँ एक कहें तो मैं कहूँगा कि पूरे झारखंड में ऐसा विसर्जन का कहीं भी जुलूस नहीं होता है। जहाँ जो विसर्जन का जो यहाँ जुलूस निकलता है उसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं अपने छतों पर। आकर्षक आतिशबाजी भी उड़ीसा से मंगाई जाती है जिसका जो आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। तरह तरह के बैंड होते हैं, तरह तरह के लोकल नृत्य होते हैं और इसका इंतजार काफी रहता है लोगों को और हमारी कोशिश रहती है कि हम इस पूजा को जितना से जितना हो सके अपनी कमेटी, हमारी कमेटी के लोग, अब तो हम लोग बहुत ज्यादा हमारी व्यस्तता हो गई है। माँ काली का ही आशीर्वाद है कि आप राज्य के मंत्री का प्रश्न कर रहा हूँ। और एक खासियत है हमारी पूजा की कि जिन लोगों के द्वारा, जिनका भी भाव बड़ा है इस हमारे मंदिर में और इस काली पूजा का पंडाल का उद्घाटन जिन भी विभूतियों ने किया, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, वो अपने जीवन की बुलंदियों पर वो पहुंचे हैं माँ काली के आशीर्वाद से। बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि यहाँ काली पूजा का पंडाल का आकर उद्घाटन किया और उनका उनकी सफलता उनके कदमों को चूमी है। तो हमेशा माँ काली का आशीर्वाद हमारे पूरा कुल्हान पूरा राज्यवासियों पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि इस बार स्पेशली जो विसर्जन होगा, जो काली पूजा का जो विसर्जन होगा वो गजब का विसर्जन होगा, देखने लायक विसर्जन होगा, पूरे झारखंड में ऐसा विसर्जन नहीं होगा और स्पेशल उड़ीसा से आतिशबाजी करने वाले लोगों को बुलाया गया जानकारी के लिए। विद्युत सज्जा की गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्युत सज्जा की गई है। आप देखिए खूबसूरत तरीके से विद्युत सज्जा किया गया है। ये अमला टोला ही नहीं, इसके आसपास के जितने टोले हैं सब मानो कि दीपावली का जो उत्सव होता है ये काली पूजा में नजर आ रहा होगा। देखिए जितनी भी बिल्डिंगे आपको नजर आ रहे होंगे चैमरे की नजर से, न्यूज इलेवन भारत के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि जितने भी बिल्डिंगे नजर आ रही सारी बिल्डिंगों में विद्युत सज्जा की है। खूबसूरत सा नजारा यहाँ देखने को। अभी कुछ देर बाद राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, जोबा मांझी और तमाम जो प्रशासनिक पदाधिकारी विधायक मंत्रीगण के द्वारा इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा और लगातार 3 दिनों तक यहां कार्यक्रम चलेगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए प्रभात आपका। आप देख सकते किस प्रकार चायबासा के अमड़ा टोला में काली पूजा मंदिर को लेकर 1972 से चल रहे इस की शुरुआत हुई थी, आज 50 साल हो गए हैं। आमला टोला काली पूजा समिति इस बार स्वर्ण जंत्री समारोह मना रही है। समारोह में जबलपुर से धमाल बैंड पार्टी को भी बुलाया गया है जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।